हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। पहला ये कि आप अपनी राशि अपने नाम के हिसाब से और अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हो, और दूसरा ये कि एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों से रिलेट कर पाए, कुछ लोग हो सकता है ना रिलेट कर पाए। तो जो रिलेट कर पाते हो वो लो, जो नहीं कर पाते हो उसको साइडलाइन कर दो। सो आइए हम देखते हैं अपनी पहली राशि जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का 14th ऑफ नवंबर कैसा जाएगा। कॉम्प्रोमाइज, गिल्ट, सेलिब्रेशन एंड पोस्टपोनमेंट। मेष राशि वालों को कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप पोस्टपोन कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आप लोग आना आपकी लाइफ में, आपका लोगों से बातचीत करना, आपकी सोशलाइजिंग वाली एनर्जी बढ़ना, ये जो चीज़ है ना, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही घुसते जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके, चाहे आपको मज़ा ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन तब भी आपको इस सिचुएशन को पोस्टपोन नहीं करना है अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी दोस्ती यारी इन सब चीज़ों में हो। और उसके साथ साथ मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो और किए ही जा रहे हो, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हो, या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहे हो, प्रोकैस्टिनेट कर रहे हो, वो नहीं करना है आज आपको बिल्कुल भी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। पेशेंस, टर्निंग इन माइंड और स्ट्रेस। वृषभ राशि वालों को आज अपनी एनर्जी का खास ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बाहर की एनर्जीज़ हैं जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें, जो आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर सकती हैं, अपना जोर जमाने की कोशिश कर सकती हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन आपको टर्न्ड इन रहना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको उसको अपने तक आने ही नहीं देना है। और ये जो सिचुएशन है ये उतनी ही जल्दी जाएगी जितना ज़्यादा जल्दी पेशेंस रखोगे। तो आज आपके लिए जो कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको आज पेशेंस रखना है, और पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके अलावा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। थंडरबोल्ट, रीबर्थ, ड्रीम एंड स्किज़ोफ्रेनिया। मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम में मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एक ऐसा सपना जो मुझे जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है जो पूरा हो सकता है, ठीक है। हुआ है नहीं हुआ है वो बहुत अलग बात है, होगा नहीं होगा वो भी बहुत अलग बात है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आना ही बहुत बड़ी बात होती है कि आपका एक वो सपना साकार हो सकता है जो आपने पहले कभी देखा था, जो आपने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी शांति भंग हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जहाँ पे आपको बहुत ऐसे एक्शन, साम दाम दंड भेद वाले एक्शंस लेने पड़े, ठीक है, बिना किसी के बारे में सोचे समझे हुए, सिर्फ वो एक्शंस लेना जो एक्चुअली में सही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपको काफ़ी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस चीज़ में टेस्ट करेंगे, और अगर आप इस चीज़ में पास होते हो तब भी वो चांसेस बनेंगे कि आपका वो ड्रीम पूरा हो सकता है, वरना नहीं होने वाला। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सौरो, फ्लावरिंग, ट्रैवलिंग और रीबर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आपको आज अपनी खुद की कोई कमी नज़र आ सकती है, ठीक है। आज आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे शायद से ऐसा नहीं करना चाहिए था इस इंसान के साथ, या मुझे अपने बिजनेस में ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। उस चीज़ को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, या जहाँ पे भी कोई रिलेशनशिप भी है, अगर आपने उसमें एनर्जेटिकली इमोशनली जो इन्वेस्टमेंट की है उस चीज़ को लेके भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड में लिया है, ठीक है, बहुत रिसेंटली या कुछ भी, और वो चीज़ अब आपके सामने आएगी, वो चीज़ आपकी अवेयरनेस में आएगी, आपके रियलाइजेशन में आएगी। तो
और वो कहीं ना कहीं अच्छी भी है क्योंकि आप उस चीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज लेके आओगे, आप उस चीज़ के अंदर एक रीबर्थ लाने की कोशिश करोगे। लेकिन वो रीबर्थ तभी आएगा जब आपको रियलाइजेशन होगी। गिल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, रियलाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा? सिंह राशि 14th of November, सिंह राशि 14th of November, लवर्स, ब्रेक थ्रू, टर्निंग इन और पेशेंस। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो या एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जो आपकी लाइफ में लिखा ही है, आपकी डेस्टिनी का पार्ट है और वो इंसान फाइनली आपकी लाइफ में है। ठीक है, जो पेशेंस है वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपने काफ़ी प्रेयर की हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत प्रेयर्स किए हैं, एफर्मेशंस किए हैं, अपने ऊपर काम किया है कि आप एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम्स दे रहे हो या कुछ भी ऐसा, उसके अंदर भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। राइटनेस, द रिबेल, सोर्स एंड सोरो। ओके, ये भी कार्ड आया तो मैं इसको भी ले ही लूँगी। सो कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि आज आपको अपना स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अपनी रिबेल एनर्जी में आना है, आपको अपनी एम्प्रियर एनर्जी में आना है। हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत धोखाबाजी कर रहा हो, कुछ पॉलिटिक्स कर रहा हो, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। आपके काम में भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस में हो सकता है, अगर कोई फाइनेंस सेक्टर में है या आपके कोई फाइनेंसेस देखता है, वहाँ पे कोई कुछ इधर उधर कर रहा है। ओके, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन जनरल अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, कैसे भी, तो आज आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी रिबेल एनर्जी में आना है। ठीक है, अपनी ट्रू फॉर्म में आना है। या और अगर आपको कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़े, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़े, तो आपको वो भी ले लेने चाहिए। तुला राशि वालों का 14th of November, इंटेंसिटी, रिसेप्टिविटी, इनोसेंस और ट्रैवलिंग। फाइनली तुला राशि वालों के लिए मुझे बहुत टाइम के बाद कुछ दो एक से ज़्यादा अच्छे कार्ड दिखे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए फाइनली आप अपनी एक बहुत प्योर एनर्जी में एंटर कर रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में एंटर कर रहे हो जहाँ पे रिसेप्टिविटी है। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी की काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जो फेमिनिन्स हैं उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, रिसेप्टिविटी दिखा रहे हो। और जैसे जैसे ये काफ़ी लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आपसे लक्ष्मी माता जो थी या तो वो रूठी हुई थी या कुछ, लक्ष्मी जी का मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि उनका कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा था जो अब फाइनली हट रहा है। ठीक है, और आप डार्कनेस से लाइट की साइड जा रहे हो, चीज़ें फाइनली अब आपको लगेंगी कि आपके लिए ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। अवेयरनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, एडवेंचर एंड रिबेल। आपको तो सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि देखते जाओ आगे होता है क्या। ओके, आपकी एक ऐसी जर्नी आगे खुलती हुई मुझे नज़र आ रही है या एक ऐसी जर्नी में आप स्टेप इन करते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी और एकदम इंस्टेंटली मुझे वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, बहुत स्पॉन्टेनियसली होती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐसे सरप्राइजेस के जैसे आएंगे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे शॉकिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स आ सकते हैं, कुछ अवेयरनेस के साथ साथ मिरेकल्स भी आ सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नई नई चीज़ें होंगी और आने वाले 3 से 4 दिनों में मुझे ये एनर्जी होती हुई दिख रही है आपकी। ऐसी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। इनर वॉइस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिविटी। धनु राशि वालों को कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी वाली एनर्जी में आना है। ठीक है, आप अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो। एम्प्रेस मतलब क्रिएटिविटी, अपनी पावरफुल एनर्जी में आना, पार्टिसिपेट करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जहाँ पे आपका मन लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपको पता है कि आपके लिए सही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो धनु राशि जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट में क्लिंग कर रहे हैं।
ओके पहले की बातों में, पहले के लोग, पहले की मेमोरीज, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, और वो जो चीज़ है ना वो आपको आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोक रही है। तो आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं बोल रही है कि अब आप रेडी हो इस पास्ट को लेट गो करने के लिए, उस चीज़ को सुनो, अपने प्रेजेंट में पार्टिसिपेट करो, प्रेजेंट पे फोकस करो, जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। ओके लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि, टर्निंग इन माइजर अलोननेस। आज आपको अपनी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मकर राशि, ठीक है। अगर हो सकता है तो आप एक ब्रेक लेना चाहिए, आपको थोड़ा अलोननेस में जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एनर्जी में मुझे बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत एग्जॉशन दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप दिए जा रहे हो, आपको कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप रेजुविनेट नहीं कर पा रहे हो, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, ओके। इवन दो ऐसा है कि आप अपने आप को सेंटर्ड रख पा रहे हो और वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे जो हो रहा है वो और ज़्यादा कम हो रहा है। तो उस चीज़ को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है कि एक ब्रेक लो, ठीक है, लोगों से, अपने काम से, कुछ भी हो उस चीज़ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्जॉशन लेवल मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, गोइंग विद द फ्लो द मास्टर लेजीनेस एंड रिसेप्टिविटी। अच्छी एनर्जीज हैं कुंभ राशि वालों के लिए फॉर श्योर। थोड़ा सा आपको बस ये बोला जा रहा है कि लेज़ी नहीं होना। अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपका वो फ्लो बना हुआ है और अब आपको लग रहा है कि हाँ अब तो वो चीज़ हो ही जाएगी, हाँ अब तो वो काम हो ही जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस चीज़ को लेके फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उस चीज़ को एक्सप्लॉयट नहीं करना है, उस चीज़ को बीच में रोकना नहीं है। अगर कोई साइकिल चल रही है तो उस साइकिल को कम्प्लीट करना है, कोई आपने नया पैटर्न है या कोई नई हॉबी है या कुछ भी आप नया कर रहे हो, मेक श्योर कि उसके अंदर आप कोई ब्लॉक ना लेके आओ, मेक श्योर आप उसमें कोई पॉज ना लेके आओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो लेके आए तो वापस से आप वहीं पे पहुंच जाओगे या पहुंच सकते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि, गोइंग विद द फ्लो द मास्टर बर्डन एंड ब्रेक थ्रू। आज थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है, आज आपको आपका गुस्सा ही है जो आपके ऊपर हावी पड़ सकता है, आपका गुस्सा ही है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि आज आप अपना कंट्रोल अपने गुस्से को ना दो, आज आप अपना कंट्रोल अपनी वरीज को ना दो, स्ट्रेस को ना दो, उन चीज़ों को ना दो जो बहुत जल्दी आपको ट्रिगर कर सकती हैं या बहुत जल्दी आपको परेशान कर सकती हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं जो जाने अनजाने में या जानबूझ के भी आपके ऊपर कुछ बर्डन डालने की कोशिश कर सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है, वो ब्लेम डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी से आपको बच के रहना है, और जो रहे हैं, जो अगर कोई ऐसी चीज़ कर भी रहा है, हरकत कर भी रहा है, तो आपको इसमें एकदम कोई एक्शन नहीं लेना है, एकदम नॉन रिएक्टिव फॉर्म में होना है आपको आज के दिन। तो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।